हाय गाइस, एचएलसी फिजिक्स में एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, टू द पॉइंट आते हैं सीधा। देखिए, मैंने थ्योरी लिख रखा है। माना कि बिंदु ओ पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु पी पर एक टेस्ट आवेश क्यू जीरो की परिकल्पना करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको मैं डायग्राम बनाता हूं। ये बिंदु है ओ, जिसका आवेश कितना है, प्लस क्यू है। और यहां से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और यहां पर एक टेस्ट आवेश रखा गया है Q जीरो, और ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वेक्टर E। प्यारे बच्चों, देखिए एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है। यहां से r दूरी पर कोई बिंदु p है, जहां पर एक टेस्ट आवेश रखा गया है q जीरो, और ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमें इस प्लस q आवेश के कारण बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए प्यारे बच्चों, कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा। बल F बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, पहला आवेश, दूसरा है क्यू जीरो अपॉन आर का वर्ग। ये कूलाम के नियमानुसार आया है। अब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, देखिए इक्वल लिमिट क्यू जीरो टेंस टू जीरो एफ अपॉन क्यू जीरो। ये हो गया बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर लिमिट क्यू जीरो टेंस टू जीरो एफ अपॉन क्यू जीरो। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए इक्वल लिमिट क्यू जीरो टेंस टू जीरो एफ की वैल्यू रख देता हूं, ये वाला वैल्यू पुट अप कर देता हूं, तो याद आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू जीरो अपॉन आर का वर्ग इंटू 1/Q0। ये वाला एफ की वैल्यू रख दे तो क्या बचेगा, 1/Q0, ब्रैकेट बंद। अब देखिए, जब ये Q0 क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो ये लिमिट्स क्या हो गया, खत्म हो गया। देन क्या जाएगा हमारा, E बराबर क्या जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू, ऊपर क्यू बचा है, नीचे आर का वर्ग बचा है, आर का वर्ग। ये हो गया हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र।